हे गाइस नमस्कार, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल बार में। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है गूगल बार, इस गूगल बार में आ जाइए। और इसमें आने के बाद ठीक है, देखिए आपको टाइप क्या करना रहेगा। यहाँ पर आने के बाद आप टाइप कर दीजिए ओल्ड OLD, ठीक है, ओल्ड एज ठीक पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन ठीक है UP, ये टाइप कर देना है। आप अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो जो जिस स्टेट के आप हों वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या टाइप करेंगे। ओल्ड ठीक है, ओल्ड एज ठीक पेंशन ठीक, आप जिस स्टेट के हों इस स्टेट का नाम, तो मैं यहाँ पे UP टाइप करता हूँ। ठीक है, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, तो इस पहले वाले लिंक पर आपको क्या करना रहेगा, क्लिक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिंक पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप पहले लिंक पर आयकर विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। ये जैसे ही आप उस पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और एक वेलकम न्यू जाएगी आपके सामने। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप यहाँ पे किन किन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे आवेदन और कर सकते हैं, देखिए दिखाता हूँ आपको निराश्रित महिला पेंशन। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये विधवा पेंशन इसको भी कहा जाता है, इसके लिए भी यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, निराश्रित महिला पेंशन। और एक आप तीसरा कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा आप कर सकते हैं कुष्ठ रोग यानी कि दिव्यांग विकलांगों के लिए जो पेंशन योजना होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन योजना। तो यहाँ पे तीन प्रकार की पेंशन योजनाएं दी गई हैं। ठीक है, तीनों के लिए आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक तो आप वृद्धा पेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एक विधवा के लिए कर सकते हैं और तीसरा आप कर सकते हैं दिव्यांग के लिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा इस वृद्धावस्था पेंशन पर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वृद्धावस्था पेंशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही आप वृद्धावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रिया दिखाया गया है कि किस प्रकार से, जैसे हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो अगर आप ग्रामीण से हैं तो BDO के पास जाएगा और शहरी से हैं तो SDM के पास जाता है। वहाँ पर अगर किसी कारणवश स्वीकृत या अस्वीकृत होगा, ठीक है, अगर स्वीकृत हो जाता है तो स्वीकृत होने के बाद समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा, वहाँ पर वो स्वीकृत अस्वीकृत होता है। उसके बाद PMS से खाता सत्यापन होगा आपका। ठीक है, कि जो दिए गए खाता है वो सही है कि गलत है। ठीक है, खाता सत्यापन के बाद पुनः समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा और खाता विवरण पुनः सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद जो का पेंशन आपके खाते में भेज दी जाती है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वृद्धावस्था पेंशन, ठीक, यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे आने के बाद ठीक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको योजना के विषय में और यहाँ पे है आवेदन का प्रारूप। ठीक, तो देखिए उसके नीचे आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन करें, ये लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना रहेगा ऑनलाइन आवेदन करें। चलिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए आप देख सकते हैं ये फॉर्म खुल चुका है समाज कल्याण विभाग वृद्धा अवस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है जनपद, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना चूज करेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैं अयोध्या चूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए निवासी रेसिडेंट चूज करेंगे कि आप ग्रामीण गांव में रहते हैं या नगर में रहते हैं।
तो जिस भी समुदाय से हैं आप वहाँ पे चूज करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रामीण चूज करता हूँ, ठीक है। ग्रामीण चूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तहसील का, ठीक है। आपके जो भी तहसील होगी आप वहाँ पे चूज करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तहसील चूज करने के बाद ब्लॉक, ठीक। तुरंत यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, ब्लॉक चूज करेंगे इस ऑप्शन पे आके, ठीक है। तो ब्लॉक चूज करते हैं, उसके बाद जैसे आप ब्लॉक चूज करेंगे आपके ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस ग्राम पंचायत से हैं, तो यहाँ से आप अपनी ग्राम पंचायत चूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो वो आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं माहनमऊ चूज करता हूँ, ठीक। उसके बाद नीचे आप आ जाइए विलेज पे, आपका अपना कौन सा गाँव है वो चूज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा है आवेदक का नाम, वो भी कौन सा नाम अंकित करना है, नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो वही आपको यहाँ पर भरना रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भरता हूँ, देखिए। उसके बाद नीचे आ जाइए यहाँ पे आपको दिख जाएगा जेंडर मेल फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फीमेल चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, और ध्यान रखना उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 60 वर्ष पूरी कर चुकी है, उससे ज़्यादा हूँ तभी आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप पिता या पति का नाम चूज करिए, ठीक है। यहाँ पे आप पिता और जो भी अभ्यर्थी होगा, मतलब जो भी जिसके लिए आप भर रहे हैं फॉर्म, उसके पिता या पति का नाम, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आ जाएंगे, जैसे आप नीचे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको श्रेणी दिख जाएगी, कैटेगरी चूज करना रहेगा किस कैटेगरी के हैं, तो जनरल से हैं, जनरल माइनॉरिटी OBC SC ST जो भी है यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपना पूरा पता भरेंगे आप, ठीक है। पूरा पता भरने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, बैंक का विवरण, ठीक है। इन सारी बातों को भरने के बाद आपको क्या भरना रहेगा, बैंक का विवरण भरना रहेगा। अब नीचे आ जाइए, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट बैंक, इस पर चूज करेंगे आपका जो भी बैंक है, ठीक है, उस बैंक को चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा चूज करता हूँ। उसके बाद बैंक शाखा का नाम, ठीक, यहाँ पे आ जाइए, बैंक शाखा का नाम जिस भी शाखा से है चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अयोध्या चूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, ये देख सकते हैं खाता संख्या पे जो भी अकाउंट नंबर होगा 14 अंकों का, ठीक है, वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अपना जो भी आपका IFSC कोड होगा वो अपने आप ले लेगा, ठीक। उसके बाद आय का विवरण भरना रहेगा, आय का विवरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, जो भी आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा उसमें एक आवेदन संख्या होती है, वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे आय प्रमाण पत्र क्रमांक, जो ही आवेदन संख्या के जस्ट नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक भी लिखा होता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको दस्तावेज अपलोड करें, इस पर आप देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड करना रहेगा, वो भी कितने 20 KB में रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम साइज़ जो होगी वो 20 KB होनी चाहिए। यहाँ पर अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फ़ोटो, यहाँ पे आप चूज करेंगे, ठीक है। देखिए चूज करने के बाद आप गैलरी में चले जाएंगे अपने डायरेक्ट, ठीक है, जहाँ भी आपकी फ़ोटो हो उसको उठा के लेके आइए, यहाँ पर चूज कर लीजिए, और ज़्यादा 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपको अपलोड जन्मतिथि, आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, एज सर्टिफिकेट, कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको देना होगा जिसमें ये दिखाई पड़े कि हाँ जो आवेदक या आवेदिका है, ठीक है, उसकी उम्र जो है कितनी हो चुकी है, 60 वर्ष, ये आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। 60 वर्ष की उम्र के लिए यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। सारे कागजातों को अपलोड करने के बाद आप यहाँ जाइए, यहाँ पे जो आपको ये चेकबॉक्स दिख रहा है इसको चेक करिए, ठीक है। नीचे दिया गया कैप्चा जो है, कैप्चा फिलअप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कैप्चा आपको दिखाता हूँ, ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चे को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट, ठीक है, ये सबमिट बटन,
देख रहे हैं ना, ये सबमिट बटन, सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और उसको आपको जो पेज खुलेगा वो प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, अब आपका आवेदन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट करके रख लेना है। सारी प्रक्रिया इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, वो आपके अगर ग्रामीण लेवल से हैं तो आपके वीडियो मतलब ब्लॉक में जाएगा, वीडियो उसको सत्यापित करेंगे, फिर समाज कल्याण के पास भेजेंगे। ठीक है, और ये एक आध महीने के अंदर हो के आपका पैसा जो है आपके खाते में आ जाता है। हर जगह से वेरीफाई होने के बाद, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर जो आपका दिया गया मोबाइल नंबर, उस पर मैसेज आएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी ग्राम प्रधान से, किसी भी वीडियो के पास कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, ठीक है, सब कुछ आपका सत्यापित होगा, सत्यापित होने के बाद आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। ठीक है, लोगों को ग्राम प्रधान, वीडियो या अन्य किसी अधिकारी के पास दौड़ना ना पड़े, वो घर बैठे, ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए ये सेवाएँ दे सके। धन्यवाद।